लुधियाने शहर विच कुटमार दौरान एक नौजवान की जी बैजड़ी कट्टन की खबर सामने आ रही है। दस दिए कि शेरपुर नजदीक का मामला दसिया जा रहा है। एक नौजवान की जीब बुरी तरह कट गई है, परिवार का दोष है, उन्होंने परिवारक मैंबरों के नाल किसी ने कुटमार की है, जिस तो बाद उसनू सड़क ते सुट के हमलावर फरार हो गए। ते कुछ लोग इसनू सड़क हादसा भी दस रहे ने। नौजवान नू कैंसर हस्पताल विच लिया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसनू सिविल हस्पताल रैफर कर दिता गया। जानकारी देंदे हुए संजय कुमार ने कहा वह शेरपुर मेन मार्केट के विच रहिंदे ने। कुछ लोगों ने दसिया कि उन्होंने दोस्त गौतम अते उसका एक होर दोस्त सड़क ते डिगे हुए सन, दोवें खून नाल लथपथ सन। मौके पर जाके वेख्या तो गौतम का बाइक है जोड़ा बुरी तरह टुटिया हुआ सी। लोगों ने दसिया कि किसी ने कुटमार की है, लेकिन कुछ दसन दे विच असमर्थ ने उहदी जीभ है जिहड़ी कट दिती गई है। उत्थे ही गौतम का दूजा साथी भी बेसुध है। सो मामला फिलहाल है जोड़ा बाइक एक्सीडेंट का दसिया जा रहा है। कमला चौक है ना, यहाँ पर मारा हुआ है। कितने मारा, कितने है भाई? मारा है वो बंदा बताएगा, वही मेरा भाई बताएगा। वो मेरा भाई बोल रहा है हुआ क्या है उसको भी? हुआ है कि वो गाड़ी तोड़ दिया है, प्लस में उसके बाद मोरा के एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। उसको मारा हुआ है, वहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं आप, वहाँ पर स्थिति देख सकते हैं आप। मामला कहाँ? हम लोग शेरपुर के रहने वाला है। संजय कुमार, कहाँ पे रहते हो? शेरपुर मेन मार्केट। अच्छा, तो जो जिसको लेके आए हैं अभी हॉस्पिटल में, उसका क्या नाम है? गौतम। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या है, कब आपको पता चला? कहाँ सर? हमें मामला तब पता लगा जब हम गली में अपने आए थे, तो कुछ लड़का उनको बोल रहा कर रहा उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा जी। उसके बाद में जब हम लोग गए तो उसको पहले ले गए अरोड़ा हॉस्पिटल ले गए। अच्छा जी। वहाँ पर डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ हमारे बस का नहीं, इनको कैंसर, वहाँ कैंसर ले जाओ। अच्छा, कैंसर में गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब बोले कि आप सिविल ले के जाओ। अच्छा, जब लड़के को पूछा गया क्या हुआ, तो बोल रहा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। अच्छा जी। और दूसरा लड़का बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। अब ये मरीज उसको, हाँ, जो लेके आया था। अभी लड़के का हुआ क्या है? एक लड़का और है इसके साथ में था, उसका भी सर फटा हुआ है। अच्छा। और इस लड़के का जीभ कटा हुआ है। अब ये सर, ये लड़का खुद बयान करेगा कि मेरे साथ लड़ाई हुआ है, कोई मारा है मेरे को, या कहीं मान लो एक्सीडेंट हुआ है, वो तो वही बताएगा, हम लोगों को कुछ पता नहीं। जिसका सिर फटा हुआ है वो इसका कोई दोस्त है? वो भी हाँ दोस्त है, वो लड़का घर में पड़ा हुआ है, उसका भी सिर फटा हुआ है। वो खुद ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें किसी ने मारा है। अच्छा। तीन लोगों ने मिलकर मारा, लेकिन अभी मतलब वो बोल रहा है, लेकिन हमारी बातें उनकी बातें हमें कोई समझ में नहीं आ रही है। अच्छा। वो क्या बोल रहा है लड़का, क्योंकि आवाज वो खुद ही बयान देगा। आप कौन हो? हम तो पड़ोस में रहते हैं सर। अच्छा, उनके पड़ोस में रहते हैं। हाँ जी। आपने देखा वैसे कट हो गया होना? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमको तो खुद ही कॉल करके बुलाया, ये लोग बोले जैसे पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के साथ में रहते हैं। लुधियाना लाइव लाई अमित थापर की रिपोर्ट।